हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। मैंने ये बनाया है 2 ईयर के लिए। बहुत ही ईजी पैटर्न है, आप कोई और भी साइज़ बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जो दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, ये जो मैं स्वेटर बनाना आपको बता रही हूँ, ये मैंने पहले भी बनाया था, तो उसमें क्या हुआ, वीडियो के कुछ पार्ट स्किप हो गए हो, उसमें है ही नहीं। तो मुझे बहुत क्वेरीज आ रही थी कि मैं आपको ये इसमें जो चीज़ें स्किप हो गई हैं वो मैं आपको बताऊं, तो मैं उसको ही दोबारा से बना रही हूँ। और वो स्वेटर कौन सा है उसका फ़ोटो मैं यहाँ स्क्रीन पर एक बार लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। उसी का पैटर्न बता रही हूँ मैं, ये मैं बना रही हूँ 2 ईयर के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3.50 mm का क्रोशिया और गंगा कडली की यार्न है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं 70 चैन। तो मैं 2 ईयर के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 70 चैन बनाई हैं। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक दो वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, उसमें योक आप किसी भी साइज़ का किस तरीके से बनाते हैं, या अगर आपको सेम यार्न सेम ये वाली आप लेंगे तो फिर आपको कितनी चैन्स लेनी है, ये 2-3 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको जो ईजी लगे आप वो बना लीजिएगा। तो यहाँ पे वैसे मैंने जो 2 ईयर के लिए उसमें योग बताया उसमें 66 चैन बताई हैं, यहाँ पे मैं 70 बना रही हूँ। मुझे लगा थोड़ा बंद गला है, थोड़ा सा ही खुला है तो ऊपर से पहनाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं 70 चैन बना रही हूँ। तो एक एक एक्स्ट्रा हर जगह ले लिया है। तो आप भी अपने हिसाब से स्टिचेस एक दो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 70 चैन। तो देखिए, ये 70 चैन मैंने बना ली हैं। अब इसके बाद 2 चैन और बनाएंगे, 1, 2, तो ये होगी टोटल 72 चैन। यहाँ से 1, 2, 1, 2, 3 स्टिच छोड़ेंगे और जो फोर्थ वाला है यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चैन 3 है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है और यहाँ से हर एक स्टिच में, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चैन 3 को मिला के टोटल यहाँ पर हमारे पास 70 स्टिच होने चाहिए। आप फर्स्ट रो में ही काउंट कर लीजिए जिससे आपको आगे वाली रोज में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो मैं इसको बना लेती हूँ। तो देखिए, ये फर्स्ट रो हमने बना ली है, हर एक स्टिच में, हर एक चैन में 1-1 डबल क्रोशिया बनाया है। टोटल 70 डबल क्रोशिया है यहाँ पे। चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे। देखिए, ये फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए क्या करना, एक फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से बनाएं, लास्ट वाला स्टिच नॉर्मल तरीके से बनेगा। तो देखिए, ये लास्ट तक हमने बना लिया। ये 3 चैन जो स्टार्टिंग में बनाई थी, इसकी जो थर्ड वाली चैन है इसमें एक 1 डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। अब फिर से चैन 1 बनाएंगे और इस तरफ पलट जाएंगे। चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है, फर्स्ट वाले स्टिच में एक 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए, जो हमें फ्रंट पोस्ट दिख रहा है इसको फ्रंट पोस्ट बना देंगे और जो बैक पोस्ट दिख रहा है उसको बैक पोस्ट बना देंगे। यहाँ पीछे से लेंगे, ये देखिए पीछे की तरफ स्टिच दिख रहा है, इसको पीछे से लेके पीछे की तरफ बना देंगे। इसको देखिए आगे से लेंगे और आगे की तरफ बना देंगे। तो इसी तरीके से आपको जितना ऊंचाई गले की रखनी है, 2, 3, 4, 5 जितनी रो बनानी है आपको, हाईनेक भी बना सकते हैं ज़्यादा ऊँचा बनाना चाहें तो। तो यहाँ पर मैं 3-4 रो बनाऊँगी, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी, ठीक है। तो पहले मैं बना लेती हूँ। इसी तरीके से ये वाली जो रो है, इसी तरीके से जितनी भी रो बनानी है आपको पहले गले के लिए बनानी होगी, ठीक है। तो देखिए, ये लास्ट वाला जो स्टिच हम बनाएंगे, ये जो हमने 2-3 रो बनाई है, चैन 1 से स्टार्ट किया है, तो जब लास्ट में आएंगे तो ये चैन 1 और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इन दोनों के बीच में हमें लास्ट स्टिच बनाना है। यहाँ आप 2 स्टिच मत बना दीजिएगा, स्टिच बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये 1, 2, 3, 4 रो बनानी है, 4, 5 रो, टोटल 5 रो बनाई है यहाँ पे। आप बड़ा बनाना चाहें तो और बना सकते हैं। 6 रो बनाएंगे, चैन 1 बनाएंगे, इस तरफ पलट जाएंगे। फर्स्ट वाले स्टिच में ही 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है।
अब देखिए यहाँ से ये जो रो है 1 2 3 4 5 6 वाली रो है, इसमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए 7th वाली रो बनाएंगे, 10th 3 बनाएंगे अब। ठीक है, 1 2 3 इस तरफ पलट जाएंगे। फर्स्ट देखिए ये 10th 3, यहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगा। ठीक है, 10th 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, और देखिए यहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 10th 1 बनाएंगे, और यहाँ पे वापस से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया 2 डबल क्रोशिया, 10th 1 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया, 10th 3 हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। अब देखिए यहाँ से हम 13 बनाएंगे, और 14 वाले में फिर दूसरा कॉर्नर बनाएंगे। तो ये फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 मैं 13 बना लेती हूँ। अब देखिए ये 13 स्टिच बना ली, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है, ये फर्स्ट कंधा है। ठीक है, कंधे के बाद पहले हम फिर फ्रंट बनाएंगे, फिर सेकंड कंधा बनाएंगे, और फिर दूसरा बैक या फ्रंट जो भी है वो बनाएंगे। तो पहले कंधा बनाएंगे, फिर फ्रंट, फिर बैक, फिर दूसरा कंधा, और फिर बैक। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। आप एक साथ स्टिचेस को, जैसे दोनों फ्रंट एक साथ कर देंगे तो स्टिचेस की सही नहीं बैठेंगे। तो आप जब भी कोई भी साइज बनाए तो पहले आपको बैक, ये देखिए हमने आर्म होल बनाए हैं, पहले स्लीव्स कंधे बनाए हैं, ये 13 स्टिच। अब ये जो 14 वाला है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन 1 बनाएंगे, और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसमें, 1 2। ठीक है, तो अब बनाएंगे यहाँ पे हम फ्रंट बनाएंगे, तो यहाँ पे बनाने हैं हमें 20 डबल क्रोशिया, ये 1 2 3 4 5 मैं 20 बना लेती हूँ। तो ये 20 हमारे फ्रंट हो गया। अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला है 21 वाला, इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चैन 1 बनाएंगे, और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। अब देखिए दूसरा कंधा बनाएंगे, तो यहाँ से वापस हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो मैं 13 बना लेती हूँ। तो देखिए ये 13 डबल क्रोशिया बना लिया। अब जो 14 वाला है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया, चैन 1 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारे फोर्थ कॉर्नर हो गए, फर्स्ट ये था, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब यहाँ पे हमारे पास 20 स्टिच बचने चाहिए। अगर आपके ज़्यादा कम हो रहे हैं तो आपकी कहीं गलती है, तो 20 स्टिच ही होने चाहिए। ठीक है, तो मैं ये 20 लास्ट के स्टिच बना लेती हूँ, फिर इसको जोड़ेंगे। तो देखिए ये जो 20 वाला स्टिच बनाया हमने चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया के पीछे बनाया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो ये जो थर्ड चैन 3 से स्टार्ट किया था, तो जो थर्ड वाली चैन है उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी रो स्टार्ट करेंगे ना, तो ये फर्स्ट चैन 1 का स्पेस है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जब भी आप इसको चैन 3 को जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से जोड़ेंगे हम, नहीं तो हम जब लास्ट में आएंगे यहाँ पे हमारा एक स्टिच बनेगा। हल्के हाथ से जोड़िएगा, ज़्यादा टाइट लेंगे तो यहाँ पे स्टिच बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा हल्के हाथ से जोड़ेंगे। अब देखिए 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे नेक्स्ट वाले स्टिच में, स्लिप स्टिच, और नेक्स्ट चैन 1 की स्पेस में आ जाएंगे। ठीक है, चैन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, और तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, चैन 1 बनाएंगे और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2। अब देखिए ये वाले स्टिच से स्टिच नहीं बनाना है, ये वाले से बनाना है। ठीक है, जस्ट बिल्कुल पास बाद वाला है, इसमें नहीं बनाना,
अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाला जो कॉर्नर है वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मैं बना के आ जाती हूँ। तो देखिए सेकंड वाले कॉर्नर के यहाँ है, तो यहाँ तक हमें चैन वन तक हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। ये देखिए वन, ठीक है। अब देखिए ये जो चैन वन का स्पेस है इसमें टू डबल क्रोशिए, वन टू, चैन वन बनाएंगे और टू डबल क्रोशिए और बनाएंगे, वन टू। अब देखिए ये देखिए जस्ट नेक्स्ट वाला स्टिच छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो चैन वन का स्पेस होगा उसमें टू डबल क्रोशिया, चैन वन टू डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इस रो को मैं लास्ट तक बना के आ जाती हूँ। तो देखिए ये इस वाली रो में हमने जोड़ा था, इसके जस्ट नेक्स्ट वाली रो है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से स्टिच बनाने, यहाँ तक हमने बना लिया। अब एक देखिए ये चैन थ्री हमने यहाँ जोड़ा था ना, यहाँ पे आपको एक डबल क्रोशिया बनाना है। और एक स्टिच आपको बनाना है यहाँ पे, एक तो चैन थ्री पे बनाना है और एक यहाँ बनाना है। दो स्टिच बनेंगे हर बार यहाँ पे। अब थर्ड वाली चैन में इसको वापस से स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे। देखिए फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, दो स्लिप स्टिच, एक नेक्स्ट वाले में और एक चैन वन के स्पेस। इस तरीके से आएगा। तो अब जैसे अगर आपको लगे कि स्टिच में कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ वाले स्टिच और जस्ट इसके सामने वाले स्टिच ये इनको काउंट कर लीजिए, एक बराबर होने चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं एक बार और वैसे ही बना के लास्ट में फिर आ जाती हूँ, आपको एक बार और बता दूँगी। ये चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, फर्स्ट डबल क्रोशिया, चैन थ्री हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। चैन वन बनाएंगे, टू डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू, और यहाँ से इस वाले स्टिच को छोड़ेंगे, एक एक स्टिच बनाएंगे, हर कॉर्नर पे कॉर्नर बनाएंगे, वापस लास्ट में आ जाती हूँ इस रो के। तो देखिए नाइन्थ वाली रो के लास्ट में आ गए, मैं आपको सिर्फ एक बार मैंने यहाँ बताया, एक बार यहाँ बता देती हूँ। देखिए ये लास्ट वाला स्टिच यहाँ तक आ रहा है। अब ये है चैन थ्री और एक स्टिच देखिए यहाँ, ये जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से अटैच किया था, एक स्टिच यहाँ बनेगा और एक स्टिच ये देखिए चैन थ्री के जस्ट बाद यहाँ पे। आपको दो स्पेस दिखेंगे, आपको उन दोनों में ही बनाना है, दो जगह दिखेंगी। अगर आप दो नहीं बनाएंगे तो खाली खाली लगेगा। ठीक है, और थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो इसी रो को हम जब तक बनाएंगे तब तक जब तक हमारा योग जितना हमें चाहिए उतना हो नहीं जाता। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ मैंने कितनी रो बनाई है। तो देखिए ये मैंने बना लिया है, मैंने दूसरे कलर से सिर्फ आपको बता रही थी, इस कलर से बना के रखा हुआ था। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये हमारी रो है जिसमें हमने हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाया था। उसके बाद फिर जब हमने जब ये जो कॉर्नर बनाए हैं तो देखिए इसके बाद मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रो बना ली है। अब देखिए आपको इसको रखते वक्त आपको ध्यान रखना, ये देखिए जो बड़े लंबे लंबे हिस्से हैं उनको देखिए लंबाई में ही उनको बराबर में रखना है, और जो छोटे हिस्से हैं ये हमारी स्लीव है। आप इसको यूँ रख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरीके से अगर रख देंगे ना, ये तो हमारा चेस्ट है और ये आर्म होल है। तो आर्म होल में कम स्टिच है और चेस्ट में ज़्यादा स्टिच है। तो देखिए इसको इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो इसकी जो चेस्ट है वो 11 से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, थ्री फोर ईयर को सॉरी टू थ्री ईयर को आ जाएगा। और जो योक है यहाँ पे हमने जो हमें चेस्ट नापनी है, योक तो हो ही जाएगा, चेस्ट नापनी है कि जितनी हमें चेस्ट चाहिए उतनी हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे। आर्म होल भी छोट टू थ्री ईयर के लिए काफ़ी आर्म होल है ये। अगर आपको लगता है तो आप एक दो और बना लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम जोड़ेंगे इसको। अब जोड़ने के लिए
अब काउंट करेंगे तो देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 वाली रो बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ से चैन वन के स्पेस में आ जाएंगे स्लिप स्टिच बनाते हुए, ठीक है। अब देखिए चैन टू बनाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि आपके यहीं पे आप स्टिच बढ़ा लीजिए, फिर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो स्टिच जितने फिर हमें धागा तोड़ के जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप चेस्ट आपकी पूरी आ रही है तो आप इस तरीके से जोड़ेंगे तो आपको धागा बार बार तोड़ना नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमने चैन टू बनाई, अब देखिए ये दोनों, ये जो दोनों कॉर्नर हैं ये चैन वन के स्पेस हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे दोनों को एक साथ रखते हुए, ठीक है। फिर इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे नेक्स्ट वाले स्टिच से, जस्ट नेक्स्ट वाले स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ से बनाते हुए यहाँ आ जाएंगे, फिर यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टिच बनाने शुरू किए थे, यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए ये यहाँ तक आ गए हम। अब ये देखिए ये जो आमने सामने के कॉर्नर हैं चैन वन के जो स्पेस हैं इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों में एक साथ डबल क्रोशिया बना देंगे, ठीक है। फिर इसको इस तरफ पलट लेंगे और यहाँ से ये देखिए नेक्स्ट वाले स्टिच से हर एक स्टिच में वन वन डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये रो के लास्ट में आ गए, ये देखिए हमने चैन टू से स्टार्ट किया था। अब क्या करेंगे देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया, चैन टू को नहीं ध्यान देंगे, चैन जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने हर एक स्टिच में स्टिच बना लिया। अब देखिए आपको रो कैसे स्टार्ट करनी है, चैन वन बनाएंगे और फर्स्ट वाले स्टिच में ही वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चैन वन है वो हमारा स्टिच नहीं है और अब यहाँ से ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है ये हमारा स्टिच है। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए राउंड में मैं वापस आ जाती हूँ। तो ये जो रो हम बनाएंगे इसी को ही रिपीट करेंगे लास्ट तक, फिर लास्ट में बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं बना के राउंड में यहाँ जाती हूँ वापस। तो देखिए ये रो बना के हम लास्ट में आ गए। अब देखिए ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, फिर चैन वन बनाएंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके स्टिच कहीं भी बड़े और कम नहीं होंगे और कहाँ से जुड़ा है ये भी नहीं पता पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे ये आप यहाँ पे 11 इंचेस होनी चाहिए डबल में, जस्ट 11, थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो चले, लेकिन अगर आपको लग रही है कि तो बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ पे देखिए मैंने जितनी रो बनाई हैं तो आप एक रो कम कर दीजिए, थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप यहाँ पे कम रो बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रो बनाई है मैंने, आप 8 बना लीजिए, ठीक है, या 9 बना लीजिए तो चेस्ट कम हो जाएगी उससे, ठीक है। तो अब इसी रो को हम बार बार रिपीट करेंगे फिर लास्ट में बॉर्डर बनाएंगे। तो पहले मैं बना लेती हूँ, अगर आपको यहाँ पे कलर चेंजेस करने हों तो आप दूसरे कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर यूज़ करूँगी, तो कलर यूज़ करने के लिए आपको जस्ट यहीं से आपको धागा तोड़ेंगे, यहीं से हम फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से स्टार्ट करेंगे, चैन वन बनाएंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसी तरीके से राउंड राउंड बनाएंगे। तो पहले मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ, फिर लास्ट में बॉर्डर किस तरीके से बनाना है, स्लीव किस तरीके से बनेंगी ये आपको आगे बताऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 3 तो सिंगल स्टिच की रो बनाई थी, ये पैटर्न डाला हुआ है मैंने, और आप कोई ज़रूरी नहीं है आप सिंगल स्टिच की रो डालें, आप हाफ डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक 7 इंच का कर लिया है, तो यहाँ पे जो हम लंबाई रखेंगे 2 ईयर के लिए वो 8.5 इंचेस की होगी, ठीक है। तो अब 1.5 इंच का मैं बॉर्डर बनाऊँगी, तो आप अपने हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा कर सकते हैं या बॉर्डर आपको कितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से बना सकते हैं। तो देखिए चैन वन बनाएंगे, सॉरी अब चैन 3 से स्टार्ट करेंगे, चैन 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले यहाँ तक हम चैन 1 से बना रहे थे। तो थोड़ा बहुत आप बनाते बनाते ये थोड़ा सा आपको फ्रंट में आ जाएगा, क्योंकि क्या है गोल होता है ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन वैसे ये आगे की तरफ है नहीं। और अगर आ भी जाएगा तो देखिए बहुत फिनिशिंग है इसमें, कहीं से लगेगा नहीं कि आपने कहाँ से जोड़ा है, ठीक है। चैन 3 बनाएंगे, 1, 2, 3। अब देखिए यही हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर आप स्टिच मत बनाइएगा, चैन 1 और ये फर्स्ट डबल क्रोशिया, तो यहाँ स्टिच नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले स्टिच से एक में फ्रंट पोस्ट, चैन 1 और फर्स्ट डबल क्रोशिया हम एक ही जगह पे बना रहे थे,
तो इसलिए फर्स्ट वाला स्टिच हमने छोड़ दिया। चैन थ्री जो बनाई है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। एक स्टिच को बैक पोस्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर एक को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा टाइट हाथों से लीजिएगा, ये देखिए, और एक को बैक पोस्ट बनाएंगे पीछे से स्टिच देखिए इस तरीके से। फिर एक को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसी तरीके से बनाते हुए मैं राउंड में वापस आ जाती हूँ, बना के यहाँ जाती हूँ। तो देखिए ये बना के लास्ट में यहाँ बॉर्डर की फर्स्ट रो है। थर्ड वाली चैन में ये हमने जो चैन से स्टार्ट किया था, थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3। और देखिए ये वाली जो रो है वही हमें जब तक हमें जितना बॉर्डर चाहिए उतना हो नहीं जाता तब तक रिपीट करनी है। ये जो फ्रंट पोस्ट दिख रहा है इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जो बैक पोस्ट दिख रहा है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ से बनाएंगे। फिर जो फ्रंट पोस्ट है इसको इस तरीके से बनाएंगे। इसी तरीके से मैं बना के इसका बॉर्डर पूरा कर देती हूँ, फिर स्लीव्स बनाएंगे इसकी। तो देखिए ये बॉर्डर मैंने यहाँ पूरा कर लिया है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ बनाई हैं, ठीक है। अब स्लीव बनाएंगे, तो स्लीव में पहले ये देखिए यहाँ पे हमने ये दो रो बनाई हैं, तो पहले दो रो हम ये वाली बनाएंगे, फिर येलो वाली बनाएंगे, फिर ब्लू वाली बनाएंगे। तो स्लीव बहुत ईजी है बनाना, ये देखिए बिल्कुल जस्ट यहाँ मिडल से, ये देखिए बिल्कुल जो बीच वाला यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ से आपको धागे को अटैच करना है, ठीक है। तो ये देखिए धागे को हमने अटैच कर दिया अच्छे से गांठ बांध के, फिर बाद में तो स्टिचेस में डाल के धागे को फिनिश कर देंगे। चैन वन बनाएंगे, और देखिए यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चैन वन हमने यहाँ बनाया, अब यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाते हुए मैं राउंड में वापस आती हूँ, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, बनाते हुए यहाँ वापस आ जाएंगे। अब देखिए ये लास्ट तक हमने बना लिया। अब जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, चैन वन नहीं, फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। अब चैन थ्री से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, और फिर से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना के वापस मैं यहीं आ जाती हूँ। और फिर इसके बाद हम थ्री रो बनाएंगे सिंगल स्टिच की, फिर फोर्थ रो में सॉरी ये जो डबल सिंगल स्टिच की रो है ये एक डबल क्रोशिया की रो के बराबर है। तो इसमें जब हम स्टिच घटाएंगे तो हर फोर्थ वाले रो में स्टिच घटाएंगे। तो पहले मैं ये बना के वापस आ जाती हूँ। तो देखिए सेकंड रो बना के यहाँ आ गए। अब देखिए जो हमने चैन थ्री बनाई थी, तो थर्ड वाली चैन में इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है, 1 2 3। और ये वाला जो धागा है इसको मैं यहाँ से काट दूँगी, और ये जो येलो कलर है इसकी थ्री रोज बनानी हमें। तो देखिए इस धागे को हमने यहाँ से काटा, और इसको ये जो लूप है इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। अब दूसरा कलर लगाएंगे, ये देखिए यहीं से जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बनाया था यहीं पे आपको धागा अटैच करना है। तो देखिए इसको धागे को यहाँ से हम निकालेंगे, चैन वन बनाएंगे, और यहीं पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब ये जो रो है हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाना है, ठीक है। फर्स्ट वाले स्पेस में हमने चैन वन बनाया और एक सिंगल स्टिच बनाया। अब यहाँ से हर एक स्टिच में हल्के हाथ से बनाइएगा, ज़्यादा खींच के बना दिया तो ये सिकुड़ जाएगा यहीं पे। थोड़ा हल्के हाथ से बनाइएगा जो इसके लेवल में ही आना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बना के वापस यहाँ आती हूँ। तो देखिए ये बना के यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब ये जो चैन वन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है, अब एक्स्ट्रा स्टिच मत बनाइएगा, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। देखिए यहाँ तक स्टिच है, यहाँ तक हमने बनाए। अब ये जो चैन वन और फर्स्ट सिंगल स्टिच है इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, ठीक है। तो जब भी चैन वन से स्टार्ट करेंगे चैन वन बनाएंगे, और फर्स्ट वाले स्टिच में ही एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ये चैन वन बना के नेक्स्ट में बना दिया तो हर रो में एक स्टिच कम हो जाएगा। और यहाँ से बनाते हुए दो रो में इसकी बना लेती हूँ, ठीक है।
इसकी ये वाली हो गई, एक और बनाऊँ। तो देखिए ये हमने थर्ड वाली रो बना ली, चैन वन और फर्स्ट सिंगल स्टिच के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया है, धागे को काट देंगे यहाँ से और देखिए इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए जहाँ हमने चैन वन और यहाँ स्लिप स्टिच बनाया ना, बिल्कुल वहीं से आपको धागे को अटैच करना है। तो ये एक तरह से हमारी फोर्थ वाली रो है। ठीक है, तो हर फोर्थ वाली रो में बना रहे हैं। अगर बड़ा साइज आप बनाते हैं तो आप काउंट कर लीजिए, हर थर्ड वाली रो में स्टिच घटाएंगे। तो ऐसे जाना चाहिए कि आपका स्लैंट जाए और लास्ट में जाके आपको जितने कलाई पे स्टिच चाहिए, तो ज़्यादा पास, ज़्यादा छोटा साइज़ है तो फोर्थ वाली रो पे घटा लिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो हर थर्ड वाली रो पे स्टिच घटा लीजिए। इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए चैन थ्री बनाएंगे, अब 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टिच घटाएंगे तो ये फर्स्ट और सेकंड जो स्टिच है इन दोनों को एक कर देंगे। ये थ्री स्टिच हो गए, दो में से निकाला, फिर से धागे को लपेटेंगे और जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें देखिए 1 2 3 4 स्टिच हो गए, दो में से निकाला, अब थ्री हैं इनमें से निकाल देंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, लास्ट में जो दो स्टिच होंगे उन दोनों को भी एक करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको बना के वापस आ जाती हूँ। तो देखिए रो के लास्ट में आ गए हैं, अब जो लास्ट के दो स्टिच हैं इन दोनों को एक कर देंगे। इन दोनों को एक कर देंगे और देखिए ये जो थर्ड वाली चैन है इसमें स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे, 1 2 3। फिर से देखिए चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए ये एक ही स्टिच है तो इसमें एक स्टिच बनाएंगे, दो स्टिच को एक किया है, फिर ये देखिए थ्री रो बनाएंगे उनमें हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाएंगे, फिर हर फोर्थ वाली में यहाँ जैसे हमने यहाँ पे घटाया है वैसे ही घटाएंगे। तो मैं पहले थोड़ी रो बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी मैंने कितनी रो बनाई है, फिर आगे किस तरीके से बनाना है। तो देखिए यहाँ से तो मैंने यहाँ से ये 16 रो बना ली हैं। ठीक है, और यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऊपर से आप काउंट करेंगे तो 22 रो हो रही हैं, यहाँ से 16 रो हो रही हैं। तो यहाँ पे जो स्लीव की लेंथ है वो 9.5 इंचेस रखूँगी, मैंने यहाँ से आर्म होल के बाद स्वेटर की लंबाई रखी थी 8.5 इंचेस, तो 1 इंच अब थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे इसको। ठीक है, अब ये 23rd वाली रो है, ऊपर से चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3, चैन थ्री फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 4 में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब ये जो 5th और 6th वाले स्टिच हैं इन दोनों को एक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट 4 में 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ा स्लीव को कलाई पे फिट आए इसलिए थोड़ा छोटा कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6 को एक कर देंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके स्टिच परफेक्ट आए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आगे पीछे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए अब इसको थर्ड वाली चैन में स्लिप स्टिच अटैच कर देंगे, चैन थ्री बनाएंगे, 1 2 3 और देखिए एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे स्टिच और एक बैक पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक बैक पोस्ट बनाएंगे, जो दो स्टिच हमने एक किए थे इनको एक साथ ले लेंगे पीछे की तरफ, बैक पोस्ट बनाएंगे। ये बना के मैं वापस यहाँ आ जाती हूँ।
थर्ड वाली डिजाइन में इसको स्लिप स्टिच अटैच करेंगे। और फिर देखिए जो फ्रंट में बनाया है चैंथी बनाएंगे 1 2 3, और जो फ्रंट से स्टिच बनाया है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और जो बैक पोस्ट से बनाया है उसको बैक पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरीके से 3 4 जितनी रो बनानी है लंबाई पूरी करने के हिसाब से आप उतनी रो बना लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको पूरा बना लेती हूँ। तो देखिए इसको मैंने पूरा बना लिया है, और आप ये देखो खुला हिस्सा है, यहाँ पे एक तरफ एक बटन लगा लीजिए, आपको काज बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें इतना स्पेस है कि बटन उस पर आ जाएगा बटन। ठीक है, तो देखिए ये बनकर कितना अच्छा लग रहा है, और इसको बनाना भी कितना ईजी था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।